नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कलर स्केच इफेक्ट के बारे में, दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक और इफेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात भी की थी। तो ये इफेक्ट है दोस्तों टॉय कैमरा इफेक्ट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टॉय कैमरा इफेक्ट का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं और हमको उसका क्या इफेक्ट कैमरे में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना कैमरा जो है टॉय कैमरा इफेक्ट मोड पे सेट कर रखा है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपको वहाँ पे टॉय लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उस पर इसका आइकॉन दिया हुआ है। अभी मैं इसको लाइव व्यू स्विच इसका ऑन कर दूंगा, तो इस समय मेरा कैमरा जो है टॉय कैमरा इफेक्ट मोड में चालू है और इसी पर मैं आपको फ़ोटो शूट करके दिखाऊँगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं ओके, यहाँ पर जो सेलेक्टर डायल हमारा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओके का बटन है, इस ओके के बटन को मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। ओके का बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला है विविडनेस का और दूसरा है विनेटिंग का। तो विविडनेस आप देख रहे हैं, इससे मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक प्लस का मैंने माई ऑप्शन दिया है और यहाँ पर प्लस है, इधर ये माइनस है। दोस्तों, प्लस की तरफ जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे तो इसका विविडनेस हमारा बढ़ता जाएगा, ये देखिए अभी और बढ़ गया है, और बीच में रखेंगे इतना रहेगा, लो रखेंगे तो कम हो जाएगा। और ऐसे इसका विनेटिंग का है दोस्तों, विनेटिंग जो है यहाँ पे हम जैसे इसको मीडियम में करते हैं कम थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, और हाई में करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। विनेटिंग का दोस्तों मतलब होता है कि हमारा जो फ़ोटो हम ऑब्जेक्ट कैप्चर कर रहे हैं उसके साइड में जो कॉर्नर है वो हमारा कितना डार्क होता है। जैसे ही हम विनेटिंग बढ़ाएंगे आप देखेंगे इसके कॉर्नर डार्क होते जाते हैं, जैसे कम कम करते जाएंगे वो डार्कनेस का एरिया जो है वो कम हो जाएगा और ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी, ये देखिए। और जैसे ही हम विनेटिंग बढ़ाएंगे डार्कनेस हमारी आती जाएगी, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ती जाएगी, सो दैट ऑब्जेक्ट का एरिया जो ब्राइटनेस का एरिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा और डार्कनेस का एरिया बढ़ता जाएगा। विविडनेस में देखिए दोस्तों अभी माइनस में है, इसको हम लोग थोड़ा और लेते हैं, थोड़ा ब्राइट हो गया विविडनेस, थोड़ा शार्प कलर हो गए इसके, सेचूरेटेड कलर हो गए हैं, और प्लस करेंगे तो थोड़ा और सेचूरेटेड कलर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें हाई करी हैं, इस सेटिंग पर मैं आपको इसका एक फोटो लिखे दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, डन हो गया। यहाँ पे अब मेरा सेम सेटिंग पे ये कैमरा एक फ़ोटो लेके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं लो लाइट में फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, इंडोर फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा फ्लैश ऑन हो जाता है। अगर आप इसको आउटडोर में शूटिंग करेंगे तो आपको फ्लैश ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, हाफ बटन प्रेस किया है प्रीव्यू आपको दिखाएगा, इसको आप फुल प्रेस करेंगे तो इसका आपको फ़ोटो लेके दिखाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मैं इसका प्लेबैक बटन से एक इसका फ़ोटो देखिए, ये दोस्तों इस तरीके का आपको टॉय कैमरा इफेक्ट आपको देता है, जैसे कि अपने बच्चों के जो कैमरे आते हैं उस तरीके का इफेक्ट आपको DSLR कैमरे से आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसकी एक बार सेटिंग हम लोग और फिर से चेंज करके देखते हैं, लाइव व्यू ऑन कर देता हूँ, ओके बटन मैं प्रेस करूँगा, ओके बटन प्रेस करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मीडियम कर देता हूँ, विविडनेस को, विंटेजनेस को भी एकदम मीडियम कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं आपको इसका एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ। प्लेबैक बटन दबाते हैं और इसका एक फ़ोटो देखते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पहला, ये हाई विंटेज पे था और हाई विविडनेस था, और दूसरा जो है ये मीडियम विंटेज पे था और मीडियम विविडनेस पे फ़ोटो मैंने आपको लेके दिखाया, तो जिसमें आपको टॉय कैमरे का इफेक्ट, एक अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों आगे में ही मैं आपको एक और स्पेशल इफेक्ट के बारे में बताऊँगा जिसका नाम है मिनिएचर इफेक्ट, उसमें फ़ोटोग्राफी आपको कैसे करनी है, उसमें कैमरा आपको क्या इफेक्ट देता है, वो सब मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा। वीडियो का लिंक आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।